अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मैं, जिसमें कि मुबशरा ने बिल्कुल अपनी मैं ख़त्म कर दी और हर वक्त जैद के आगे पीछे। लेकिन जैद ने हमेशा की तरह मुबशरा को इग्नोर ही किया और मुबशरा भी ये सब कुछ कब तक बर्दाश्त करती। जैद को तो सिर्फ और सिर्फ आयरा की पड़ी है, वो आयरा की बेगुनाही के सबूत इकट्ठे कर रहा है। बस ऐसे ही कंप्यूटर पर्सन को अगवा करवाया और पूरी सीसीटीवी फुटेज देखने को मिल गई, जिसमें पता चल गया कि आयरा के रूम में गया था रियान और आयरा भागते हुए बाहर आके अपने बाप को सब कुछ बताया। बाप ने आयरा को ही बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। यहाँ पर रियान ने भी अपना मुंह खोल लिया और नशे की हालत में बता ही दिया कि मैंने ही आयरा के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन उस लड़की में इतनी अकड़ है कि वो मुझे छोड़कर चली गई। लोग तो दुआ मांगते हैं कि रियान उनको हाथ लगाए, और वो लड़की पता नहीं खुद को क्या समझती है। जैद ने उसको ज़मीन से उठाकर आसमान पर जो बिठा दिया है, तो बस उसका तो गुरूर करना बनता है। और साथ ही अपनी बीवी को इस हालत में काफ़ी मारा। बेटी भी घर गई और जाकर बाप के सामने सबको बुलाया और डिवोर्स का मुतालबा कर दिया और साथ बताया कि रियान ने कैसे उस पर हाथ उठाया है। साथ ही साथ जैद भी भागता हुआ आया और रियान को मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारी जुरत कैसे हुई आयरा के साथ ये सब कुछ करने की, तुम खुद को समझते क्या हो। मुबशरा के घर वाले तो वहाँ से चले गए, लेकिन मुबशरा वही है और अब उसने अपनी मैं भी मार दी और आ गई जैद के पास और कहा कि ये पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दो, डिवोर्स के पेपर्स हैं। मैंने ही एक दिन तुमसे वादा लिया था कि मुझे कभी डिवोर्स ना देना, और आज मैं ही तुम्हारे पास पेपर्स लेके आई हूँ। मैं तुम्हें किसी रिश्ते में बांध नहीं सकती, तुम प्लीज़ इस पर साइन कर दो। तो क्या जैद इन पेपर्स पर साइन करेगा या मुबशरा को दिल से अपना लेगा, ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।